अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो OPGS यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज होते हैं। आज हमारे साथ OPGS यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर रजनीश तिवारी जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे डी फार्मा कोर्स के बारे में। सर, डी फार्मा कोर्स की जो टोटल सीटें हैं यूनिवर्सिटी में कितनी है, इसके अलावा एडमिशन की क्या क्या प्रक्रिया है? सर, हमारे यहाँ पे डी फार्मा में 240 सीटें हैं, उसके हिसाब में उस पर हम स्कॉलरशिप के आधार पर उसको एडमिशन देते हैं। अगर बच्चा 90 लाता है तो 90% के हिसाब से उसके मार्क्स देंगे, अगर 80 लाता है तो 80% के हिसाब से, और 70 लाता है तो 70% के अकॉर्डिंग। अगर उससे नीचे लाता है 50% तो 50% का एक हमारा एक नोम्स बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग उसे नंबर्स देके और उसे एडमिशन देते हैं। सर, अगर बात करें डी फार्मा कोर्स की तो प्रैक्टिकल तौर पर आप क्या बेहतर करवाते हैं ताकि जो डी फार्मा कोर्स छात्र कर रहा है उसको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्राप्त हो? सर, हमारे यहाँ पे डी फार्मा कोर्स कराने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है यहाँ पे प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स के हमारे पास में सारी A to Z लैब्स हैं सारी, और वेल सेटेड लैब्स हैं, अच्छे अच्छे लेक्चरर्स हैं जो हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल कराते हैं, जिससे बच्चे का प्रैक्टिकली नॉलेज बढ़ता है। और रीज़न सबसे खास बात हमारे पर ये रही कि जब बच्चा यहाँ से प्रैक्टिकली नॉलेज करता है तो हमारे यहाँ ऑन कैंपस कंपनीज के इंटरव्यूज होते हैं, उनमें बच्चों का सिलेक्शन होता है, उसमें बच्चे का लेवल केवल प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाता है, जो हमारी सबसे बेस्ट है। तो ये थे हमारे साथ रजनीश तिवारी जी, उन्होंने बताया कि डी फार्मा कोर्स के लिए OPGS यूनिवर्सिटी में क्या क्या प्रक्रिया है और OPGS यूनिवर्सिटी में किस तरीके की आधुनिक लैब है जिससे छात्रों को काफ़ी सहयोग मिलता है।